वचन प्यारा वचन ईशो मसीह का प्यारा वचन पाव को दीप को राग को रोशन ये है मसीह का प्यारा वचन ये है वचन प्यारा वचन ईशो मसीह का प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1789 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं इब्रानी अध्याय 2:12। वो कहता है, मैं तेरा नाम अपने भाइयों को सुनाऊंगा, सभा के बीच में मैं तेरा भजन गाऊंगा। हम इस बात की चर्चा कर चुके हैं कि इब्रानियों की पत्री यहूदी मूल से विश्वास में आए हुए इब्रानी भाषा बोलने वाले विश्वासियों को भेजी गई पत्री है। इब्रानी भाषा बोलने वाले यहूदी का मतलब है अपना पूर्व के धर्म, यहूदी धर्म से वे बहुत अधिक आस्था रखने वाले थे मसीह विश्वास में आने के पूर्व। इसलिए विश्वास में आने के बावजूद भी उन पर संभवतः यहूदी धर्म का काफी प्रभाव था। निरंतर होने वाले सताव एवं यहूदी धर्म के सदस्यों से नियमित रूप में होने वाला दबाव इन विश्वासियों के अंदर अपना मसीही विश्वास के प्रति संदेह उत्पन्न कर दिया था। इस तरह की बातें भले ही दूसरे रूप में हो, वर्तमान समय में हमारे बीच में भी होती है। हिंदू या इस्लाम आदि धर्मों से विश्वास में आए हुए लोगों पर नियमित रूप में सताव और दबाव होने पर इस प्रकार की सोच मन में उत्पन्न होना स्वाभाविक बात है कि कहीं मैंने तो कोई गलत निर्णय तो नहीं लिया। इसवी 67 एवं 69 के बीच में संभवतः इब्रानियों की पत्री की रचना हुई थी। यरूशलेम मंदिर का नाश इसवी 70 में हुआ था। इसका मतलब इस पत्री की रचना काल में यद्यपि यहूदियों का कोई देश तो नहीं था, तो भी यहूदी धर्म का प्रभाव समाज पर कम नहीं हुआ था। आप इस बात को बाइबल से अवश्य पढ़े होंगे कि यरूशलेम के मंदिर को दिखाकर यीशु मसीह के प्रेरित लोग भी यीशु मसीह के सामने गर्व के साथ उस मंदिर के प्रति कहते हुए आप अवश्य पढ़े होंगे। यहूदी धर्म यद्यपि यीशु मसीह के जीवन काल में उनका देश तो खत्म हो गया था, उसके बावजूद भी उस धर्म का प्रभाव लोगों पर बहुत अधिक था। यीशु मसीह को निर्दोष पाया जाने के बावजूद भी रोमी राजपाल पिलातुस यदि यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने की यहूदियों की मांग को स्वीकार किया हो, तो उसकी वजह रोमी शासनकाल के दरमियान भी उस साम्राज्य पर यहूदियों का प्रभाव था। मत्ती अध्याय 27:15-24 तक, यूहन्ना अध्याय 19:4-16 आदि पदों को पढ़िएगा। हम इस बात से अनजान नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह का जीवन एक गरीब के समान जीवन था। वो बढ़ई के पुत्र तथा बढ़ई के रूप में अपना समाज में जाना जाता था। मत्ती 13:55, मरकुस 6:3। उस जमाने की परिप्रेक्ष्य में यदि बोलूं तो इब्रानी विश्वासी लोग प्रभावशाली यहूदी धर्म को छोड़कर क्रूस पर एक श्रापित के रूप में मरे हुए यीशु मसीह को प्रभु जानकर चलने वाले लोग थे। आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उन विश्वासी लोग समाज के अन्य लोगों के द्वारा कितना मजाक का पात्र बन गए होंगे। इस प्रकार विश्वास में उलझे हुए इब्रानी विश्वासियों के सामने इस पत्री के द्वारा लेखक ये प्रमाणित कर रहा है कि यीशु मसीह एक साधारण बढ़ई नहीं था, बल्कि पुराने नियम में भविष्यवाणी के रूप में प्रस्तुत किया गया परमेश्वर का पुत्र मसीह है। प्रारंभ में पढ़ी गई पद में भजन 22:22 को लेखक उद्धृत करके लिखा, जैसे कि मैंने कल भी सूचित किया था, यहाँ लेखक यीशु मसीह का ईश्वरीयता एवं मानुषिकता दोनों को एक ही फ्रेम में प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा है। वह प्रभु होकर, यीशु मसीह प्रभु होकर भी कंगाल के समान जिया। किस लिए? ताकि हम कंगालों को वो भाई बुला सके। हमारे साथ तादात्म्यता प्राप्त करते हुए उन्होंने एक जीवन बिताया, ताकि हम जो उनकी सृष्टि है और पाप से प्रदूषित शरीर में वास कर रहे हैं, हमें वो भाई बुला सके। मनुष्यत्व के साथ यीशु मसीह की तादात्म्यता को हम इन आयतों में स्पष्ट रूप में देख रहे हैं। यीशु मसीह के तुल्य यीशु मसीह ही मात्र है। स्वर्गीय महिमाओं को त्याग कर
उन्होंने मुझको और आपको खोज कर इस धरती पर आया। उनकी महिमा युगानुयुग होती रहे। यह हमें सीखने की एक महत्वपूर्ण बात भी है, जिसे कहकर मैं आज का मनन समाप्त करना चाहता हूं। यदि यीशु मसीह परमेश्वर पिता का पुत्र मसीह होकर, प्रभु होकर अपने शिष्यों को भाई कहकर संबोधित किया है, उनके साथ यदि वो तादात्म्यता प्राप्त किया है, तो हमें अपने भाई बहनों के साथ कितना नम्र होकर व्यवहार करना है। हमें भी अपने कमजोर, दुर्बल और समाज के गैर कुलीन भूमिकाओं से आए हुए लोगों के साथ कितने तादात्म्यता प्राप्त करते हुए, उनका सम्मान करते हुए उनके साथ हमें रहना है। मेरी आशा है यीशु मसीह का यह स्वभाव, हमारे साथ तादात्म्यता प्राप्त करने की उनकी इच्छा, उनका स्वभाव हमें भी नम्र बनने और हमारे भाई बहनों के साथ तादात्म्यता के साथ, मेल मिलाप के साथ जीने के लिए अवश्य हमारी प्रेरणा करेगी। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।